मॉर्निंग किड्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। किड्स, नाउ टेल मी, इन विच सीजन डू वी यूज फैन एसी एंड कूलर? बेटा, हम फैन एसी और कूलर का यूज कब करते हैं? आंसर, वी यूज देम इन समर सीजन। इन विच सीजन डू वी यूज हीटर? बेटा, हम हीटर का यूज कौन से सीजन में करते हैं? आंसर, वी यूज हीटर इन विंटर सीजन। बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच सीजन डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स? हम सूती कपड़े कौन से सीजन में पहनते हैं? यस, आंसर, वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन। बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सीजन डू वी वेयर वूलन क्लोथ्स? अब बेटा मुझे ये बताइए, हम गर्म कपड़े कौन से सीजन में पहनते हैं? आंसर, वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन। बेटा, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विच सीजन डू वी यूज अ रेनकोट एंड एन अम्ब्रेला? बेटा, हम रेनकोट और अम्ब्रेला यानी कि छाते का यूज कौन से सीजन में करते हैं? सर, वी यूज देम व्हेन इट रेन्स। जब बेटा बाहर बारिश होती है तब हम किसका यूज करते हैं? रेनकोट का और अम्ब्रेला का। और बेटा, आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ओके? तो चलिए अब हम अपना रिटन वर्क स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल मेंशन टुडेज डेट इन लेफ्ट हैंड साइड एंड टुडेज डेट इज 7th of November 2020, means 07.1111.2020, and just opposite side is right hand side, and here we will mention Likhit Karya. In second line we will mention today's heading, and today's heading is Ri ki matra ke shabd. Beta, here Ri matlab Ri se Rishi. Ri ki matra ke shabd. Aur beta, aaj hum teen akshar wale wo shabd karenge jinke first letter mein kya lagti hai? Ri ki matra lagti hai. नंबर 1, अब ये देखिए कौन सा लेटर है? क। जैसे ही क में हमने री की मात्रा लगाई हम इसे बोलेंगे क्री। कृषक, कृषक। कृषक मतलब किसान यानी कि फार्मर। और किसान क्या करता है बेटा? अन्न उगाता है। हमारे लिए अन्न उगाता है ना, अनाज उगाता है किसान, खेतों में काम करता है, तो कृषक, कृषक। बेटा नंबर 2, अब ये देखिए ह। ह में जैसे ही हमने री की मात्रा लगाई हम इसे क्या बोलेंगे? हरी। हरी दय, हृदय। क्या बोलेंगे इसे? हृदय। हरी दय, हृदय। हृदय मतलब दिल। नंबर 3, अगेन देखिए बेटा, क में री की मात्रा लगते इसे क्या बोलेंगे? क्री। क्री पा लो, कृपालु। और कृपालु यानी कि दयालु, कृपा करने वाला, दया करने वाला, उसे बोलते हैं कृपालु। कृपालु, कृपालु। बेटा नंबर 4, अब ये देखिए ये कौन सा व्यंजन है? प व्यंजन है। जैसे ही हमने प में री की मात्रा लगाई इसे क्या बोलेंगे हम? प्री। पृथक, पृथक। और पृथक मतलब अलग। पृथक मतलब क्या होता है बेटा? अलग। नंबर 5, अब ये देखिए दोबारा से क। क में री की मात्रा लगते ये बन गया क्री। कृतज्ञ, कृतज्ञ। और कृतज्ञ यानी कि उपकार मानने वाला, जो उपकार को मानता हो, कृतज्ञ, कृतज्ञ। बेटा नंबर 6, अब ये देखिए म। जैसे हमने म व्यंजन में री की मात्रा लगाई हम इसे बोलेंगे मृ। मृतक, मृतक। और मृतक मतलब होता है मरा हुआ। क्या होता है बेटा मृतक मतलब? मरा हुआ। मृतक, मृतक। बेटा नंबर 7, अब ये देखिए स। स में री की मात्रा लगते इसे हम बोलेंगे श्री। क्या बोलेंगे इसे? श्री जन, सृजन। सृजन मतलब रचना, उत्पत्ति। क्या बोलते हैं बेटा? सृजन। श्री जन, सृजन। बेटा नंबर 8, अब ये देखिए म व्यंजन। जैसे ही म में री की मात्रा लगी इसे बोलेंगे मृ। मृदुल, मृदुल। अब द में कौन सी मात्रा आ रही है? ओक की मात्रा आ रही। जैसे ही हम दो बोल रहे हैं हमारा नेक ऊपर से नीचे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मृदुल, मृदुल। और मृदुल क्या है? किसी का नेम है। बेटा नंबर 9, अब ये देखिए क। क में री की मात्रा लगते इसे बोलेंगे कृत्रिम, कृत्रिम। और कृत्रिम मतलब बनावटी, नकली। अब त्र में कौन सी मात्रा आ रही है? एक की मात्रा आ रही है। जैसे ही हम त्रि बोल रहे हैं हमारा जो नेक है वो राइट टू लेफ्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। कृत्रिम, कृत्रिम। बेटा नंबर 10, कृपया, कृपया। कृपया मतलब होता है
प्लीज हम बोलते ना कृपया मेरा ये काम कर दीजिए, यानी प्लीज मेरा ये काम कर दीजिए, तो कृपया कृपया। बेटा नंबर 11, अब ये देखिए घ व्यंजन, जैसे ही घ में री की मात्रा लगी इसे हम बोलेंगे घृ, घृणित, घृणित, और घृणित मतलब घिनौना, हम कहते हैं ना बहुत ही घृणित कार्य किया आपने, घृणित। अवणी में कौन सी मात्रा आ रही है बेटा, इक की मात्रा, हो जब हम अणी बोल रहे हैं तो हमारा जो नेक है वो राइट टू लेफ्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, घृणित घृणित। बेटा नंबर 12, अब देखिए क में दोबारा से हमने री की मात्रा लगाई तो हम इसे बोलेंगे क्री, कृपाल, कृपाल, और प में कौन सी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा, और आ की मात्रा आती है तो क्या होता है, हमारा पूरा मुंह खुल जाता है, कृपाल, कृपाल, और कृपाल क्या है, किसी का नाम है। बेटा आपको वर्क बहुत नीटली करना है, बहुत केयरफुली करना है, और जो शब्द है वो मार्जिन लाइन को टच करके लिखना है, ओके। एंड सेकेंड थिंग बेटा, स्पीक एंड राइट, जो भी आप लिख रहे हैं उसे बोल बोल कर लिखेंगे, इससे क्या होगा हमें मात्रा की प्रैक्टिस होगी। इट्स प्रैक्टिस टाइम एंड टुडे वी विल डू द प्रैक्टिस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो मेंशन हियर टुडेज डेट एंड रिटन वर्क इन फर्स्ट लाइन, लीव वन बॉक्स एंड राइट हेडिंग इन थर्ड लाइन। एडिशन, टी यू 5 4 54 + 3 2 32। बेटा दिस इज प्लस साइन, इन प्लस, इन एडिशन अपर डिजिट गोज ऑन हेड एंड लोअर डिजिट गोज ऑन फिंगर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व यूनिट साइन, ओके। बिफोर सॉल्विंग द सम यू हैव टू रीड द सम, 4 + 2। बेटा हियर 4 इज अपर डिजिट एंड 2 इज लोअर डिजिट, सो 4 goes on head and 2 goes on finger. 4 goes on head and 2 goes on finger. Hit 4. 4. What comes after 4? 5, 6. Answer is 6. Beta here, we will write 6. Unit side solve, come to 10 side. Beta again read the sum. 5 + 3. Here 5 is upper digit and 3 is lower digit. So 5 goes on head and 3 goes on finger. Hit 5. 5. What comes after 5? Yes, what comes after 5? 6, 7, 8. Answer is 8. But here we will write 8. In the end, we will read the whole sum. 5 4 54 + 3 2 32, and the answer is 8 6 86. Kids, you have to do 2 more sums. After that, leave 2 boxes, and from here, from the margin line, leave 2 boxes and write adding subtraction. S U B sub, S should be capital, T R A C traction, T I O N shun, subtraction. T U 7 8 78 - 4 4 44. Beta, now tell me which sign is this? Yes, this is minus sign. Beta, in subtraction, in minus, we will throw lower digit and count till upper digit. First, we will solve unit side. Before solving the sum, you have to read the sum. 8 - 4. Beta, here 4 is lower number and it is upper number. So we will throw 4, count till 8, make a fist. Throw 4, count till 8, make a fist. 4. What comes after 4? Yes, what comes after 4? 5, 6, 7, 8. Now count the finger. How many fingers are left? 1, 2, 3, 4. Answer is 4. Here we will write 4. Unit side solve. Now come to 10 side. Before solving the sum, you have to read the sum. 7 - 4. So throw 4, count till 7, make a fist. Throw 4, count till 7, make a fist. 4. What comes after 4? 5, 6, 7.
Now again count the fingers. 1, 2, 3. Answer is 3. Beta, here we will write 3. In the end, again we will read the whole sum. 7, 8, 78 minus 4, 4, 44. And the answer is 3, 4, 34. And kids, you have to do 2 more sums. Okay? Beta, writing should be neat and clean and formation should be correct. And do practice of addition and subtraction. Okay? Take care. Bye-bye. Have a nice day.